दिखाती है, मतलब दोनों एग्जाम के बैक मार्क्स शो करते हैं आपको एनओएस, तो इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है बच्चे। दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आपके लिए एक वीडियो बनाया था मैंने, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एंड बच्चे उसका मैं पार्ट टू लेके आया हूँ। बच्चे अगर आपका SYC, SYCP, SYCT लिख के आया था तो मैंने आपको एक ईमेल बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, rsell@nios.ac.in। बच्चे सेम ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ क्या करना था आपको, यहाँ मेल करना था, आपका रिजल्ट भेजना था, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका रिजल्ट, ठीक है, आपका रिजल्ट, आपका इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर, और आपका डेट ऑफ बर्थ भेजना था आपको, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और लिखना क्या था बच्चे, तो आपको लिखना था कि सर मेरा रिजल्ट पुराना रिजल्ट शो कर रहा है, मैंने इस बार नया एग्ज़ाम दिया था, मैंने ऑन डिमांड में एग्ज़ाम दिया था, इस डेट को दिया था, लेकिन सर मेरा पुराना रिजल्ट शो कर रहा है। तो बच्चे ये आपको लिखना था। तो इसका रिजल्ट का जवाब क्या आया बच्चे, बहुतों बच्चों का जवाब आ गया है, कुछ बच्चों का नहीं आया है। तो कुछ बच्चों का अगर जवाब नहीं आया है तो बच्चे वीडियो आपके लिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या रिप्लाई आया है बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई आया है कि आप रिचेक करवा लो, एंड बच्चे एक रिप्लाई आया है इस बच्चे का, मैं आपको ये रिप्लाई दिखाता हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डियर लर्नर, इसमें लिखा है बच्चे, डियर लर्नर, ठीक है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू द स्कोरिंग लेस मार्क्स दिस टाइम योर प्रीवियस मार्क्स आर शोइंग इन योर वेबसाइट, इन द वेबसाइट, मतलब कि एंड थैंक्स रिकॉर्ड्स रिजल्ट सेल और नंबर दिया हुआ है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। तो भाई आपको समझाना क्यों चाह रहा हूँ, मतलब बच्चे जो आपने आर सेल पे जो आपने @NOS पे मेल किया था उसका रिप्लाई क्या आता है कि बच्चे इस बार जो आपने एग्जाम दिया पिछली बारी से कम मार्क्स आया है आपके एग्जाम में। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, लाइक आपने पहले एग्जाम दिया, ठीक है, ए, और दूसरी बार दिया बी, तो ए में जो आपके मार्क्स आए थे बी में उससे भी कम आए। तो अब क्या दिखाता है एनओएस, क्या करती है, बेस्ट ऑफ टू मार्क्स दिखाती है, मतलब दोनों एग्जाम के बेस्ट मार्क्स शो करते हैं आपको एनओएस, तो इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है बच्चे कि जो इस बार जो आपने मार्क्स स्कोर किया था पिछली बार से भी कम था, इसलिए प्रीवियस मार्क्स आपको शो कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो आई होप बच्चे आपका डाउट क्लियर कर पाया होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट था सर रिप्लाई ही नहीं आया, सर रिप्लाई आ रहा है कि रीचेक करवा लो। देखो बच्चे कुछ बच्चों का रिप्लाई आया है कि डू रीचेक, मतलब आप अपना मार्क्स रीचेक के लिए भेजो या री इवेल्यूएशन के लिए भेजो, ठीक है। लेकिन बच्चे मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि बच्चा री इवेल्यूएशन तो करा लेगा, लेकिन मुझे बच्चे ये रिप्लाई इंपॉर्टेंट लगा कि बच्चे फिर भी पूछ रहे थे कि क्या ऐसा हुआ कि पुराना मार्क्स ही शो कर रहा है। तो बच्चे इसका जवाब ये है, रिप्लाई भी आया है कि आपका इस बारी मार्क्स उससे भी कम आया है, इसलिए पुराना मार्क्स शो कर रहा है। तो आई होप बच्चे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, एंड आपका मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है बच्चे। ये वीडियो का पार्ट टू था, ठीक है, पार्ट मैं 1 बना चुका हूँ, आपको अगर पूरा जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बच्चे।